जय हिंद साथियों, आज पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम का फोर्थ टॉपिक, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भाग की क्रिया। भाग की क्रिया में शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। भाग की क्रिया में शेषफल ज्ञात करना। देखिए इस टाइप क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका 17 दे रखा है, और विभक्त करने वाली संख्या क्या दे रखी है आपकी, उसको एक अधिक दे रखी है, ठीक है। मतलब क्या है, या तो मतलब यहाँ पे जो संख्या दी जाएगी या तो उससे विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक दी जाएगी या उससे एक कम दी जाएगी। 17 से एक कम दी जाएगी, या से 16 होगी, या 17 से एक अधिक 18 होगी, ठीक है। मैंने सबसे पहले केवल उसको टारगेट किया गया है, पावर अगर सम संख्या है तो। पावर कैसी है आपकी, सम संख्या है। पावर कैसी है आपकी, सम संख्या है। और पूछ लिया इस टाइप के क्वेश्चन में कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, ठीक है। जहां पे जो भी संख्या दे रखी है आपकी, जैसे -5 दे रखा है, तो आपको अगर पावर इवन नंबर है तो बस +1 कर देना है। -5 + 1 तो कितना आ गया, -4। -4 कभी शेष बचता नहीं है, -4 कभी शेष बचता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 18 में से -4 को, जिससे हम भाग लगा रहे हैं, उसमें से 4 को घटा देंगे, तो हमारा शेषफल 14 प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां भी क्या है, पावर क्या है आपकी, इवन नंबर है, इवन नंबर है, और विभक्त करने वाली संख्या इससे एक अधिक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे जो भी संख्या दे रखी है, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे +3 दे रखी हो, चाहे -3 दे रखी हो, तो इसमें आपको +1 कर देना है। -3 + 1 तो कितना आ गया, -2। -2 कभी शेष बचता नहीं है। अगर माइनस का आता है तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसमें से हम 2 को घटा देंगे, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, या तो विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक हो या कम हो, यहाँ पे क्या दे रखी है, कम दे रखी है, तो भी आपको वही प्रोसेस अपनाना है। मतलब पावर इवन नंबर है, -5, तो क्या कर देना है आपको, +1 कर देना, तो कितना बच गया, -4। -4 का विशेष बचता नहीं है, जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं, तो 16 में से 4 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, 12 बच जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन भी देख लीजिए उसी टाइप के। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैंने बताया था कि आपको, देखिए यहाँ पे जो संख्या दी जाएगी उससे या तो विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक दी जाएगी या एक कम दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है कि आपको पावर देखनी, पावर कैसी है आपकी। पावर इवन नंबर है तो आपको यहाँ पे जो भी संख्या लिख रखी है, जैसे +4 रख रखा है, तो आपको इसमें +1 कर देना है, तो आपका शेष कितना आ गया, 5 शेष आ गया, क्योंकि माइनस का नहीं है इसलिए इसे घटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर -5 आता तो हम इसे 38 में से घटाते। देखिए नीचे दे रखा है इसी टाइप से, पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, इवन नंबर दे रखी है, और विभक्त करने वाली संख्या इसके मतलब 73 से एक कम दे रखी है, 72 दे रखी है। दोनों पोजिशन में चाहे संख्या बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, अगर पावर इवन नंबर है तो आपको इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो -10 में आप +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, -9। और मैंने बता दिया माइनस का कभी शेष नहीं बचता है, तो जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं। तो देखिए इसमें -9 आ गया, -9 कभी शेष नहीं बचता है, तो हम जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से 9 को हम घटा देंगे, तो 72 - 9 आपका हो जाएगा 63, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 63। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, 28। विभक्त करने वाली संख्या क्या है आपकी, एक अधिक है। पावर क्या है आपकी, इवन नंबर है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी रखी है उसमें +1 कर देना है, तो -7 + 1 कितना आ गया, -6। -6 कभी शेष नहीं बचता है, तो हम जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से 6 को घटा देते हैं, तो 29 - 6 आपका 23 आंसर आ जाएगा। तो आपका शेषफल प्राप्त हो गया 23। देखिए इसी टाइप के और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको क्या है, मैंने क्या बता दिया, पावर सबसे पहले आपका वर्क क्या है कि पावर देखनी है, पावर क्या है आपकी, इवन नंबर है, फिर उसके बाद आपका दूसरा वर्क क्या है,
दूसरा वर्ग आपका ये है कि अगर विभक्त करने वाली संख्या या तो एक अधिक हो या एक कम हो, जो कि हो रही है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में प्लस वन कर देना है। तो प्लस वन कर देंगे तो हमारा कितना शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपका वर्ग क्या है, वर्ग ये है कि आपको पावर देखनी है, पावर एक सम संख्या है, विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है, तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है उसमें आपको प्लस वन कर देना है। तो माइनस सिक्स आ गया, माइनस सिक्स का विशेष नहीं बचता है, तो आप जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को हम घटा देंगे। तो 98 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा शेष 92 बच जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में वही चीज़ टारगेट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ग क्या है, आपको पावर देखनी है, पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और विभक्त करने वाली संख्या एक कम है, तो आपको क्या करना है, वही काम, चाहे संख्या विभक्त करने वाली अधिक हो या कम हो, दोनों पोजीशन में आपको प्लस वन करना है। तो माइनस नाइन प्लस वन, तो माइनस का एट आ गया, और माइनस का एट कभी शेष नहीं बचता है, तो आप 157 में से 8 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 149 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं, देखिए करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पावर क्या है, सबसे पहले वर्ग क्या है, हमारा पावर देखनी है, पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, दूसरा वर्ग क्या है, विभक्त करने वाली संख्या या एक कम है या अधिक है, तो अधिक हो रही है, तो आपको वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, प्लस वन कर देना है। माइनस फोर प्लस वन, तो कितना आ गया, माइनस थ्री, माइनस थ्री का विशेष नहीं बचता है, तो जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को हम घटा देते हैं, उसको हम उसमें से घटा देते हैं, तो हमारा कितना आ गया 750। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा वर्ग क्या है, पावर देखना, पावर एक इवन नंबर है, ठीक है, विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उसमें प्लस वन कर देना है। तो सेवन प्लस वन कितना हो गया आपका एट, माइनस का नहीं है, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, आठ ही हो जाएगा, इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बीजगणितीय संख्याओं में भी पूछ लिए जाते हैं, एक्स की बेस में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनको कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए, सेम प्रोसेस करना है, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे विभक्त करने वाली संख्या एक्स प्लस वन अर्थात इससे एक अधिक है। अगर एक्स समान यहाँ पे पाँच रख दिया जाए, फाइव रख दिया जाए, तो यहाँ पे भी पाँच रखोगे तो पाँच और एक कितना हो गया, छः हो गया, तो एक संख्या अधिक हो रही है। तो सेम प्रोसेस ही अपनाना है आपको, सबसे पहले आपका वर्ग क्या है कि पावर देखनी है, पावर एक सम संख्या है, पावर क्या है आपकी, एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहां जो संख्या लिखी हुई है जैसे माइनस फोर लिखा हुआ है, आपको इसमें क्या कर देना है, प्लस वन कर देना है, तो कितना आ गया आपका, माइनस थ्री आ गया, माइनस थ्री का विशेष नहीं बचता है, तो हम जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उसे घटा देते हैं, तो कितना आ गया, एक्स प्लस वन माइनस थ्री, तो आपका आंसर आ गया एक्स माइनस टू, कितना आ गया आपका आंसर, एक्स माइनस टू आ गया। वही प्रोसेस नीचे करना है, नीचे भी क्वेश्चन क्या है, इसमें एक संख्या अधिक हो रही थी, इसमें संख्या एक कम हो रही है। देखिए यहाँ पे एक्स समान जो भी चाहे रख लीजिए आप, सेवन रख लिया, सेवन यहाँ पे रख लिया तो सात में से, यहाँ भी सेवन रखेंगे तो सात में से एक जाएगा तो छह ही बचेगा, अगर अंगअर्थी संख्याओं में ले जाऊंगा तो सेम वही प्रोसेस करनी है जो अंगअर्थी संख्याओं में की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका वर्ग क्या है कि पावर देखनी है, पावर एक आपकी सम संख्या है, और विभक्त करने वाली संख्या क्या है आपकी, एक कम हो रही है, विभक्त करने वाली संख्या क्या हो रही है आपकी, एक कम हो रही है। तो मैंने बता दिया पावर अगर इवन नंबर है तो आपको चाहे संख्या बढ़ रही हो चाहे संख्या घट रही हो प्लस वन कर देना है, जैसे कि माइनस टेन है इसमें प्लस वन कर देंगे तो कितना आ गया आपका, माइनस का नाइन आ गया, और माइनस का नाइन कभी शेष नहीं बचता है, तो जिससे जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को हम घटा देते हैं, तो x माइनस नाइन, एक्स माइनस वन माइनस का नाइन, तो आपका आंसर आ गया x माइनस टेन, तो आपका आंसर कितना आ गया, x माइनस टेन आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, सबसे पहले वर्ग आपका वही है, पावर देखनी है, पावर क्या है आपकी, एक सम संख्या है, पावर क्या है आपकी, एक सम संख्या है, विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, एक प्लस कर देना है संख्या में, 5 + 1 तो कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, प्लस की संख्या आ गई, तो इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यहाँ भी वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहला वर्ग क्या है हमारा, कि हमें पावर देखनी है, पावर एक सम संख्या है। फिर क्या देखना है, विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है या कम है, एक अधिक हो रही है, ठीक है। तो वही प्रोसेस करना है, इसमें +1 कर देना, -8 में +1 कर देंगे तो कितना आ गया, -7 आ गया। और -7 कभी बचता नहीं है, कोई माइनस की संख्या से बचती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं। तो -7 को हम जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x-6। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, x-6 हमारा शेषफल हो जाएगा। वही प्रोसेस नीचे वाले क्वेश्चन में करनी है। सबसे पहले वर्क आपको वही करना है, आपको पावर देखनी है, पावर क्या है आपकी, एक सम संख्या है, ठीक है। विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है या कम है, एक कम है, तो वही प्रोसेस आपको इस संख्या में एक जोड़ देना है। तो 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्लस का 8 आया है, तो इसे भाग लगाने वाली संख्या में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका आंसर 8 ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर घात हमारी अगर विषम संख्या दे रखी हो, घात यदि विषम संख्या है, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा था कि पावर हमारी सम संख्या थी, हमारी घात क्या थी, सम संख्या थी, लेकिन अब घात हमारी विषम संख्या हो तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्योंकि सम में था, चाहे संख्या बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, दोनों पोजिशन में आपको +1 ही करना था और कुछ नहीं करना था। और विषम में क्या करना है, अगर संख्या बढ़ रही है, अगर संख्या विभक्त करने वाली संख्या अगर बढ़ रही है तो आपको -1 करना है। अगर विभक्त करने वाली संख्या यदि बढ़ रही है तो आपको -1 करना है, और संख्या घट रही है तो जो सम संख्या में प्रोसेस कर रहे थे +1 वाला वही अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, पावर को देखना, पावर क्या है आपकी, एक विषम संख्या है, यहां सम संख्या नहीं है, और विभक्त करने वाली संख्या क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, क्या हो रही है, विभक्त करने वाली संख्या बढ़ रही है, तो पीछे जो भी संख्या लिखी है उसमें से आपको एक घटा देना है। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 शेष बचेगा, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 4 शेषफल आ जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां सबसे पहले वर्क क्या है आपका, वर्क वही है कि आपको सबसे पहले पावर को टारगेट करना है, पावर आपकी एक विषम संख्या है और विभक्त करने वाली संख्या क्या हो रही है आपकी, घट रही है। अब विभक्त करने वाली संख्या हमारी घट रही है तो हमें क्या करना है, +1 कर देना है, तो -7 में +1 करेंगे तो -6 आ गया, और -6 कभी शेष नहीं बचता है, ठीक है, जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं। तो 22 में से 6 जाएगा, 6 जाएगा, 22 में से 6 गया तो आपका 16 शेष बचेगा, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अगर पावर हमारी, देखिए सबसे पहले हमारा वर्ग क्या है कि पावर को देखना, पावर यहाँ पे क्या है, एक विषम संख्या है, पावर क्या है हमारी, एक विषम संख्या है, और विभक्त करने वाली संख्या अधिक है या कम है, तो विभक्त करने वाली जो संख्या है वो हमारी एक अधिक है, तो विभक्त करने वाली संख्या हमारी क्या है, एक अधिक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें से -1 कर देना, तो -8 और -1 तो कितना आ गया, -9 आ गया, -9 कभी शेष नहीं बचता है, तो जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से 9 को हम घटा देंगे, तो 38 में से 9 को हम जब घटाएंगे तो हमें 29 प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा शेष कितना होगा, 29 हमारा शेषफल होगा, ठीक है। देखिए इसी टाइप से वही वर्क, सबसे पहले हमारा वर्क क्या है कि पावर देखना, पावर हमारी इवन है कि ऑड है, तो पावर हमारी ऑड है, और विभक्त करने वाली संख्या क्या है हमारी, एक अधिक है, तो विभक्त करने वाली संख्या जब हमारी एक अधिक हो रही है तो यहां जो भी संख्या लिखी है उसमें हमें क्या कर देना है, -1 कर देना है, तो 7 में से -1 करेंगे तो हमारा शेष कितना आ गया, 6 आ गया। पॉजिटिव संख्या आई है, प्लस की संख्या आई है, माइनस की संख्या नहीं आई है, तो हमारा आंसर 6 ही होगा। अगर बाई चांस अगर -6 बचते तो हम 154 में से 6 को घटा देते, लेकिन यहां पर तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो गई है तो हमारा आंसर 6 ही होगा, ठीक है। अब नीचे भी हमारा वही वर्क है, सबसे पहले हमारा क्या है, पावर देखना, पावर क्या है यहाँ पे, पावर आपकी ऑड नंबर है, पावर क्या है आपकी, एक ऑड नंबर है, विभक्त करने वाली संख्या क्या है आपकी,
विभक्त करने वाली जो संख्या है वो क्या है आपकी, एक अधिक है। विभक्त करने वाली संख्या क्या है आपकी, एक अधिक है। तो आपको क्या कर देना है, वही माइनस वन, तो माइनस वन कर देंगे। तो माइनस वन कभी शेष पर नहीं बचता है, तो जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को हम घटा देंगे। तो 80 में से एक जाएगा तो हमारा शेष कितना हो जाएगा, 79। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 79 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीजगणितीय संख्याओं में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपका वर्ग क्या है, वर्ग यही है कि आपको घात देखनी है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी पावर देखनी है। पावर क्या है, एक विषम संख्या है। फिर उसके बाद दूसरा वर्ग क्या है कि विभक्त करने वाली संख्या एक कम है या अधिक है। तो यहाँ पे विभक्त करने वाली जो संख्या है वो इससे एक अधिक है, इससे एक अधिक है। और नंबर में बताया अगर विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है तो आपको माइनस वन कर देना है। तो माइनस का फाइव माइनस का वन, तो कितना आ गया, माइनस का सिक्स आ गया। माइनस का सिक्स कभी शेष नहीं बचता है, क्योंकि माइनस की संख्या कभी शेष नहीं बचती है। तो जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं। तो x प्लस वन माइनस सिक्स, तो आपका आंसर आ गया x माइनस फाइव। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपका वर्ग क्या है, वर्ग वही है कि आपको उसकी पावर देखनी है। पावर सम है कि विषम है, तो पावर जो भी है आपकी एक विषम संख्या है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका वर्ग क्या है कि विभक्त करने वाली संख्या एक कम है या एक अधिक है। तो विभक्त करने वाली संख्या इससे एक कम है, क्योंकि आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। सपोज मानिए यहाँ पे हमने फाइव पुट कर लिया, पाँच आ गया, तो पाँच में से एक घटाएंगे तो चार आ गया, तो पाँच यहाँ चार एक कम हो गई कि नहीं हो गई। तो ठीक है, सबसे पहले आपका वर्ग क्या है, तो पावर देखनी है आपकी, ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और संख्या आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो जब घट रही होती है तो आपको क्या करना होता है, प्लस वन करना होता है। तो माइनस का टेन प्लस का वन, तो कितना आ गया, माइनस का नाइन। और माइनस का नाइन कभी शेष नहीं बचता है। तो ठीक है, जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उस संख्या में, तो उस संख्या को हम घटा देते हैं। एक्स माइनस का वन माइनस का नाइन, तो कितना आ गया, एक्स माइनस टेन। तो आपका आंसर आ गया एक्स माइनस टेन। ठीक है, देखिए नीचे भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का है। सबसे पहले आपका वर्ग क्या है कि पावर देखनी है, पावर आपकी एक विषम संख्या है। फिर उसके बाद वर्ग क्या है कि आपको देखना है विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है या कम है। तो विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है, तो आपको क्या कर देना है, माइनस वन कर देना है। माइनस का छत्तीस माइनस का वन, तो कितना आ गया, माइनस का सैंतीस। माइनस का सैंतीस कभी शेष नहीं बचता है। ठीक है, तो जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें से हम माइनस के सैंतीस को घटा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया एक्स माइनस छत्तीस। तो हमारा आंसर कितना आ गया आपका, एक्स माइनस छत्तीस प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के इस क्वेश्चन को करते हैं। पावर सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पावर देखना, पावर क्या है यहाँ पे, एक विषम संख्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा वर्ग क्या है कि विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है या कम है। तो विभक्त करने वाली संख्या एक अधिक है, तो विभक्त करने वाली संख्या जब मेरी एक अधिक है तो हमें क्या कर देना, माइनस वन कर देना। तो माइनस का सेवन माइनस का वन, तो कितना आ गया, माइनस का एट। माइनस का एट कभी शेष नहीं बचता है, तो जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं उसमें से उस संख्या को हम घटा देते हैं। तो एक्स प्लस वन माइनस का एट, तो कितना आ गया आपका, एक्स माइनस सेवन। तो शेष कितना बचेगा आपका, एक्स माइनस सेवन शेष बचे।